बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। सत्येन जैन के खिलाफ एक और जांच का आदेश हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह जांच के आदेश दिए हैं। सीसीटीवी लगाने रिश्वत का मामला, सीसीटीवी लगाने में रिश्वत को लेकर यह सवाल बार बार उठ रहा था, अब रिश्वत लेने का मामला सामने आया। एलजी ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी भेजी है। सत्येन जैन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सत्येन जैन पर जांच की अनुमति देने पर आपका बयान, आतिशी ने कहा, बीजेपी दिन रात कर रही है साजिश। 10 साल में आप नेताओं पर 200 से ज्यादा केस हुए। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, अब ये एक और फर्जी केस है। बीजेपी दिल्ली सरकार को ठप करना चाहती है, आतिशी ने बयान दिया। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, सत्येन जैन को लेकर यह बड़ी खबर, जहां सत्येन जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक पत्र दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने केंद्र को भेजा है। सत्येन जैन के खिलाफ एक और जांच का आदेश इस पत्र के जरिए दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं। सीसीटीवी लगाने पर रिश्वत मांगने का मामला यह बताया जा रहा है। एलजी ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी है। सत्येन जैन पर जांच की अनुमति को लेकर आपका रिएक्शन आया। आतिशी ने कहा, बीजेपी की साजिश है, 10 साल में आप नेताओं पर 200 से ज्यादा केस हुए। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, अब ये एक और फर्जी केस, आतिशी बता रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है सत्येन जैन के खिलाफ एक और जांच का आदेश, ये फर्जी है।